हेलो नमस्कार, मैं हूँ जूही परमार एंड वेलकम टू माय सैलून। आपने बिल्कुल ठीक सुना, आज मैंने आपको वेलकम बैक टू माय चैनल नहीं, वेलकम टू माय सैलून कहा है। और ये है हमारा मेकशिफ्ट क्वारंटीन सैलून, क्योंकि अब जब लॉकडाउन है तो खाना भी बनाया, घर के काम भी किए, लेकिन ऐसी और भी बहुत सी जरूरतें होती हैं जिसके लिए हम घर से बाहर जाते हैं सैलून में, जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने सोचा आज क्यों ना अपने घर को ही सैलून में बदल लिया जाए। लेट्स सी हाउ जूही सैलून वर्क्स। ऐसा है ना कि जब बाल बहुत सारे हो सर पे तो कोई टेंशन नहीं, दो चार कम कट जाए, ज्यादा कट जाए, लेकिन जब बाल कम हो यानी जो चीज कम है उसको बहुत संभाल संभाल के रखना पड़ता है। इसलिए अगर एक भी बाल एक्स्ट्रा कट गया तो सू कर देंगे ये क्लाइंट मुझे। Cut by me and bushy overgrown hair. क्वारंटीन में हेयर कट कराने का फायदा ये है कि छोटे हो जाए तो भी टेंशन नहीं है कि बढ़ जाएंगे, अगर गलत कट जाए तो भी टेंशन नहीं है कि बढ़ जाएंगे। एटलीस्ट 15 दिन और है भी हमारे पास जब हम घर में लॉक्ड हैं, तो जब तक हम बाहर निकलेंगे तब तक सब सही हो चुका होगा। सो दिस इज द टाइम टू टेक रिस्क। तुम्हारे हवाले सर साथियों, आजकल का जो हेयर कट है, आजकल का जो स्टाइल है, वही काटा है मैंने, खराब काटा है मम्मी। इसको पीछे से बिल्कुल नहीं दिखाएंगे हमारे यहाँ की पॉलिसी है, हेयर कट के बाद हम सिर्फ आगे से दिखाते, पीछे से नहीं दिखाते। जो देखना घर जाके देखना। We are going to style you. अरे मेहरबानी करो। ये पीछे से जो है ना, ये थोड़े शॉर्ट हो गए। Thank you.
बोलना पड़ेगा है, मजबूरी है। नेक्स्ट कस्टमर बताइए, व्हाट वुड यू लाइक टू डू मैडम? आपके यहाँ क्या क्या सर्विस है मैडम? ये हमारे यहाँ आईब्रोज मसाज, हेड मसाज और हेयर कलर, एवरीथिंग, वैक्सिंग ओनली आईब्रो ओनली आईब्रो। इतना मैंने सोचा कि बड़ा दिन बना के जाओगे आप, ओनली आईब्रो ऐसा है। चलिए लेट्स स्टार्ट। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मजाक मस्ती तो ठीक है, लेकिन मुझे सालों से थ्रेडिंग करनी आती है। ये मैंने सोचा था कि ऐसे कभी इमरजेंसी हो, कभी प्रॉब्लम हो, कहीं ऐसी शूट पे हो जहाँ हम नहीं जा सकते सैलून और आईब्रोज बनाने की ज़रूरत है, तो ये बेसिक तो आना चाहिए। तो मैंने सालों पहले सीखा था। अब देखिए लॉकडाउन में काम आ रहा है। कैसे करते हैं तो मैं बताती हूँ। थ्रेड लिया, इसे एक तरफ से ऐसे करके गांठ बांध ली, ये हो गया, ये लिया। अब 1 2 3 थ्री टाइम्स इसे ट्विस्ट किया। अब ये देखिए, टक 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 टक, दिस इज द वे टू थ्रेड। सो नाउ आई विल थ्रेड। बिग बॉस ने भी देखा होगा कि मैंने कई अपने जो हाउसमेट्स थे फीमेल्स, उनको थ्रेडिंग करके देखी। सो ये हुनर तो सालों से आता है, आज काम आ गया। कपड़े प्रेस कर देंगे, आप क्या करने वाले हैं? लॉकडाउन में कहाँ से लाएंगे पेमेंट की बात कर रहे हैं आप? तो आप क्या करके दोगे? आप कैसे का डिनर बनाऊंगी? ओके, सो अभी हम लोगों ने लॉकडाउन में ड्यूटीज बांध रखी हैं, तो डिनर ड्यूटी मेरी है। तो अब मुझे लॉकडाउन में आज डिनर नहीं बनाना होगा, आज मम्मा डिनर बना के देंगी और जो मैं आपसे कहूंगी वही बनेगी, वही बनाएंगे। डन डन। असिस्टेंट चलो सैलून बंद करने का टाइम हो गया। अभी सैलून बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत किया। आई ऑल्सो नीड सम पैम्परिंग। ओह माय गॉड, यू ऑल्सो नीड सम पैम्परिंग? यस। क्या करवाना है आपको मेरे बच्चू? आई वांट फुट मसाज। ओके, तो लॉकडाउन में आपके भी बड़े डिमांड हो रहे हैं। चलो आपकी फुट मसाज की बारी। मुआ।